हेलो फ्रेंड्स, वेलकम श्रीनास्तर का। आज हम बनाएंगे टी टाइम स्पेशल आलू कबाब। तो हम बनाएंगे आलू कबाब बनाएंगे आज, तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो मैंने आलू कबाब के लिए यहाँ लिया है आलू, लिया है बॉइल्ड पोटैटो, लिया है मैंने यहाँ पर चार लिया है मीडियम साइज के। मैं इस तरह से इस ग्रेटर से कद्दूकस कर लिया है आलू को इस तरह से। यहाँ लिया है मैंने धनिया पुदीना, यहाँ लिया है मैंने आधा इंच अदरक, दो ग्रीन चिल्ली लिया है, कम ज्यादा कर सकते हो आप। यहाँ लिया है ऑनियन, एक कटा हुआ मीडियम साइज ऑनियन लिया है मैंने। यहाँ मैंने कुछ सूखा मसाला लिया है दोस्तों। यहाँ लिया है मैंने हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, हाफ टी स्पून चाट मसाला, हाफ टी स्पून आमचूर पाउडर, 1/4 टी स्पून हल्दी है ये, हाफ टी स्पून गरम मसाला, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, 1/4 टी स्पून रेड चिल्ली पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 1/4 टी स्पून यहाँ लिया है मैंने शुगर पाउडर, जो होता है आइसिंग शुगर, थोड़ा सा लिया है मैंने टेस्ट के लिए। और यहाँ लिया है ब्रेड क्रम्स, जो होता है 1/4 कप लिया है मैंने ब्रेड क्रम्स। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहले हम डालेंगे अदरक, ग्रीन चिल्ली, ऑनियन, सारे मसाले जो लिए थे। धनिया पुदीना ये सारे डाल देंगे इस तरह से, अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे सारी चीजों को। सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे दोस्तों इस तरह से, हल्दी हाथों से। सारी चीजों को मिक्स कर लिया दोस्तों। अब ये 1/4 कप जो ब्रेड क्रम्स है मैं ऐड कर देंगे इसमें। अब इसे हाथों से मिक्स करेंगे, हल्के हाथों से मिक्स करना है दोस्तों। इस तरह से डो बनाना है आपको, ऐसे सॉफ्ट ऐसे बनाना है इस तरह से। अब इसे साइड पे रखते हैं। और यहाँ मैंने एक बाउल लिया है, मैं इसमें दूंगी 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 2 टेबलस्पून मैदा, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, हाफ टी स्पून नमक, और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके थोड़ा पानी देके इसका। ऐसे मिक्स कर लेंगे, मिक्स कर लिया है। अभी मैंने 1/4 वाटर लिया है, थोड़ा थोड़ा पानी देके इसका इस तरह से पानी देके आपको इसका स्मूथ पेस्ट बनाना है दोस्तों। कबाब में कोटिंग करना है इसलिए, बना रही हूँ ये कबाब कोटिंग के लिए, इसका कोटिंग होगा, स्मूथ पेस्ट बनाना है इसका। मैंने और थोड़ा पानी ऐड किया दोस्तों इस तरह से, थोड़ा पानी ऐड कीजिए और स्मूथ पेस्ट बनाए इस तरह से, कुछ होना चाहिए लिक्विड फॉर्म में। और थोड़ा पानी डालने के थोड़ा सा बस, और नहीं। इसे मिक्स कर लिया, इसे साइड पे रखते हैं अभी। अभी यहाँ मैंने यहाँ पर प्लेट में लिया है ब्रेड क्रम्स लिया है मैंने, यहाँ पर इस तरह से इसे कोटिंग करना है कबाब में इस तरह से। इसे रेडी रखते हैं और कबाब बनाते हैं अभी दोस्तों। पहले हम हाथों को ऑयलिंग कर लेंगे इस तरह से, इसके बाद हम कबाब बनाएंगे। आपको जो पसंद है, जैसा पसंद है आपको कबाब का शेप आप दे सकते हो। मैं यहाँ पर चार टाइप का शेप दूंगी, हार्ट शेप दूंगी, ओवल शेप, राउंड शेप और बर्फी शेप। आप इतना क्वांटिटी लीजिए, आप बड़ा छोटा बना सकते हो आप, जितना आपको पसंद है। इस तरह से आपको, मैं पहले राउंड शेप बना रही हूं और थोड़ा लेते हैं। इस तरह से हाथों से इस तरह से गोल करके, हल्के हाथों से प्रेस करके
शेप करना है अपने हिसाब से, कर लीजिए अच्छे से शेप साइड से। और अभी क्या करना है, अच्छी तरह से शेप ले लिए इसे। अभी हम डिप करेंगे इसे कॉर्नफ्लोर और मैदे के जो हम लोगों ने मिक्सचर बनाया था, डिप करके हम ब्रेड क्रम्स में इसे डिप करेंगे अच्छी तरह से, कोट कर लेंगे अच्छी तरह से। तो हमारा एक बन गया, दूसरा शेप बनाते दोस्तों। अभी ये बनाओगे ओवल शेप। इस तरह से आपको ओवल शेप बना लेना है। इसे भी डिप कर लेंगे हम अभी। एक्स्ट्रा हम डिप कर लेंगे और इस तरह से ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे अच्छी तरह से। हमारा ओवल शेप भी तैयार है। हम बर्फी शेप बना रहे हैं अभी। इस तरह से प्रेस करके इस तरह से आपको बर्फी शेप बनाना है। आपको जो शेप पसंद है आप बना सकते हो दोस्तों। तो तैयार है बर्फी शेप हमारा इस तरह से। इसको भी डिप कर लेते हैं, एक्स्ट्रा निकाल लेते हैं, कोटिंग कर लेते हैं अच्छी तरह से स्लोली। तो हमारा बर्फी शेप बन गया है, तैयार है। अब हम हार्ट शेप बनाएंगे। अब हम हार्ट शेप कर लेंगे। शेप ही आपको इस तरह से करना है, बीच में प्रेस करना है इस तरह से यहाँ से, और यहाँ से आपको इस तरह से शेप देना है। हार्ट शेप बनाना है आपको इस तरह से, धीरे धीरे से आपको शेप दे देना है। ऐसे आलू का है तो आप कोई भी शेप दे सकते हो, आपको जो पसंद है। मेरे बेटे को हार्ट शेप बहुत पसंद है तो मैं हार्ट शेप भी बना रही हूँ इस तरह से। तो हमारा हार्ट शेप भी तैयार है। इस तरह डिप कर लेते हैं अच्छी तरह स्लो, एक्स्ट्रा निकाल लेते हैं, अच्छी तरह से ब्रेड क्रम लगा लिए दोस्तों। हमारे चारों शेप तैयार है। तो हम इसे फ्राई करते हैं अभी तेल में। यहाँ मैंने कढ़ाई में तेल लिया है डीप फ्राई करने के लिए, जितना तेल चाहिए मैंने उतना तेल लिया है दोस्तों। कढ़ाई में गैस फुल कर देते हैं, तेल गर्म हो जाने तो पूरा अच्छी तरह से तेल पूरा गर्म हो जाएगा। उसका स्लो करेंगे और डाल देंगे हम कबाब को कढ़ाई के अंदर। तेल बहुत गर्म हो गया है दोस्तों, गैस स्लो कर दीजिए
हल्का ठंडा होने के बाद ही हम देंगे, वरना बाहर से जल जाएगा, अंदर नहीं होगा। हल्का अगर ठंडा हो गया है, अब हम धीरे धीरे से डाल देंगे इसे, इस तरह से धीरे से। गैस लो पे रखा है दोस्तों, थोड़ी देर पे इसे। अब मैंने गैस मीडियम रखा है दोस्तों, ज्यादा फ्राई नहीं करना है इसे, क्योंकि पहले से आलू पका हुआ है, अंदर बॉईल किया हुआ आलू है, इसे बाहर से अच्छी तरह से हमें फ्राई करना है। दो दो मिनट दो तरफ से, दोनों तरफ से दो दो मिनट करना है। एक तरफ दो मिनट करके फ्राई हम इसे पलट देंगे। पलट दिया दोस्तों मैंने इस तरह से, अब दूसरी तरफ से भी हम दो मिनट कर लेते हैं, बस उतार लेंगे, गैस मीडियम में है। तो दोस्तों हो चुका है, हम पेपर टॉवल में निकाल लेते हैं इसे। दोस्तों तैयार है हमारा आलू कटलेट, तैयार है, तो स्प्लिटिंग करते हैं। तो दोस्तों तैयार है हमारा गर्मा गर्म क्रिस्पी आलू कबाब। इस तरह से मैंने इसे टमाटो केचप के साथ सर्व किया है, आप मनपसंद सॉस के साथ सर्व करके खा सकते हो आप। इस तरह से बाहर से बहुत क्रंची हुआ है, सुन सकते हो आवाज, बहुत क्रिस्पी हुआ है। तो आप जरूर बनाइए दोस्तों, टी टाइम टाइम आपको बहुत अच्छा लगेगा, या बनाओगे सबको बहुत अच्छा लगेगा, सब बहुत टेस्टी बहुत यमी होता है, बहुत इजी तरीका है बनाने का दोस्तों, आप जरूर ट्राई कीजिए दोस्तों इस तरह से। तो दोस्तों बाहर से तो क्रिस्पी हुआ ही है, मैं अंदर का बताती हूँ कैसा बना है। अंदर से सॉफ्ट और कितना यमी हुआ है देखिए इस तरह से, तो जरूर ट्राई कीजिए दोस्तों। आप मन पसंद शेप बना सकते हो, आलू का है तो अपने हिसाब से आप जैसा पसंद है, आपको बच्चे को बड़े को वैसे आप शेप बना सकते हो। जैसा मैंने बनाया है इधर, हार्ट शेप, ओवल शेप, राउंड शेप और बर्फी शेप इस तरह से। तो आप जरूर ट्राई कीजिए दोस्तों, अगर आपको मेरी आलू कबाब की रेसिपी अच्छी लगी है तो जरूर ट्राई कीजिए दोस्तों, घर पे जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरी अगली रेसिपी के लिए। थैंक यू।